हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं आज हम डाइवर्जेंस की। आज का हमारा जो टॉपिक है डाइवर्जेंस का, तो वेक्टर कैलकुलस की हमारी ये यूनिट चल रही थी और वेक्टर कैलकुलस का आज ये मेरा लेक्चर नंबर है 9। और इस लेक्चर में आज मैं बात करने वाला हूँ डाइवर्जेंस की। मोस्टली ज्यादातर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को वेक्टर कैलकुलस में दो ही चीजों का इंतजार रहता है। यहाँ देखा जाए कि स्टूडेंट्स को दो ही टॉपिक्स में दिक्कत आती है, एक तो है डाइवर्जेंस और एक है कर्व। तो आज हम डाइवर्जेंस के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि होता क्या है डाइवर्जेंस। देखिए, द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो डाइवर्जेंस में हमेशा सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है अपन को कि डाइवर्जेंस हम किसका निकालते हैं, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। अगर मान लीजिए फंक्शन स्केलर है तो हम उसका कभी भी डाइवर्जेंस नहीं निकाल सकते। स्केलर और वेक्टर में आपको फर्क पता ही है, जहां पर आई कैप जे कैप के कैप आता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जहां पर आई कैप जे कैप के कैप नहीं आता वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं सीधी सीधी सी बात करूं, मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं, ये फंक्शन है, या मान लीजिए ये a बराबर ये वैल्यू दे दी मैंने, तो ये जो वैल्यू है ये स्केलर वैल्यू है। और अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर और स्केलर में और दूसरा जो सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो क्या होता है कि स्केलर के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं होता, जबकि वेक्टर के ऊपर ये एरो का साइन होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमेशा आप देखेंगे ये एक एरो का साइन होगा, और अगर क्वांटिटी स्केलर है तो उसके ऊपर कोई साइन नहीं होगा। पर कई बुक्स में ऐसा होता है, कि वेक्टर और स्केलर को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए मैं अभी बताता हूं आपको। मान लीजिए ये स्केलर है और मान लीजिए ये वेक्टर है, तो कई बुक्स में दोनों को सेम ही लिखा जाता है, पर अंतर क्या होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको थोड़ा गहरा कर दिया जाता है। जैसे बोल्ड में अपन लिखते हैं, कंप्यूटर में बोल्ड में जैसे लिखा जाता है ना गहरा करके, तो जो गहरे कलर का जो होगा क्वांटिटी उसको हम वेक्टर एज ए वेक्टर ट्रीट करेगा वो, और जो गहरा नहीं होगा लाइट कलर में जो लिखा हुआ होगा वो एज ए स्केलर ट्रीट करेगा। तो ये मैंने बता दिया आपको अंतर कि स्केलर क्वांटिटी हो गई, अगर आई कैप जे कैप के कैप यानी कि डायरेक्शन आ गई तो उसको हम कहेंगे वेक्टर, ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या है ये भी बता दू। एक्स स्क्वायर एक्स की डायरेक्शन में क्वांटिटी है, ये वाई डायरेक्शन में क्वांटिटी है, जेड डायरेक्शन में क्वांटिटी है। अगर दूसरा दूसरा एक वेक्टर ले ले, मान लीजिए वेक्टर ए, या इसको आप वेक्टर बी से डिनोट कर दो, वेक्टर बी बराबर है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। तो आप यहाँ क्या कहते हैं कि जो टू थ्री और ये जो फोर है ये क्या है, कंपोनेंट है, ये एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, थ्री वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है और फोर जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है। ये कैसे पता चला, यूनिट वेक्टर देख करके। यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप जे कैप के कैप। हम जानते हैं आई कैप एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है और के कैप जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। तो हम ये कहते हैं कि आई कैप के साथ जो ये कंपोनेंट है ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में। तो इस प्रकार हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं। और अभी अभी मैंने कहा था कि वेक्टर क्वांटिटी का ही हमेशा डाइवर्जेंस निकाला जाता है, स्केलर का नहीं निकाला जाता, तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे डाइवर्जेंस की। तो देखिए डाइवर्जेंस क्या होता है, मैंने मान लिया मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोल दीजिए, वेक्टर बोल दीजिए। भाई वेक्टर पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, फंक्शन का मतलब तो हो गया किसी ना किसी का वेरिएबल का फंक्शन होगा, तो वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है।
तो मैंने एक वेक्टर फंक्शन लिया, ये वेक्टर फंक्शन ले लिया एफ, ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो जिसका फंक्शन होगा उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, नहीं भी लिखो तो बराबर में जो वैल्यू होती है उसको देख करके हम बता देते हैं, पर यहां पर बराबर में जो वैल्यू है ये F1, F2, F3 की फॉर्म में है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया कि ये जो वेक्टर फंक्शन है F, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है। जैसे अभी अभी मैंने वेक्टर A का एग्जाम्पल लिया था, वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन था, तो ठीक है यहाँ पे ये वेक्टर F है, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट F1 है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट F2 है, और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट F3 है। तो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले लिया हमने विच इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड यानी प्रत्येक बिंदु पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, ईच पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है ऑफ ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। इसमें स्पेस में हमने एक सर्टेन छोटा सा रीजन ले लिया, उस रीजन के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु एक्स वाई जेड पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, देन देन ये जो है डाइवर्जेंस, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस इज डिनोटेड बाय डेल डॉट वेक्टर एफ। तो हमेशा याद रखना आप कि किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के डाइवर्जेंस को किससे डिनोट करते हैं, ये तो हो गया डेल ऑपरेटर, जिस फंक्शन का हमें डाइवर्जेंस निकालना है वो हो गया वेक्टर एफ, और डाइवर्जेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, बीच में डॉट आना चाहिए, तो डेल डॉट वेक्टर एफ। ये पूरा जो क्वांटिटी है, ये जो पूरा जो लिखा हुआ है, इस पूरे को हम लिखे हुए को क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस एफ। तो देखिए यहाँ डिनोट किससे करते हैं, डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ वेक्टर एफ, या फिर DIV वेक्टर एफ, तो दोनों का मतलब एक है, यानी ये तो डिनोट करने का तरीका है कि किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के डाइवर्जेंस को डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट इससे करते हैं डेल डॉट वेक्टर एफ या फिर DIV वेक्टर एफ। अब यहाँ DIV और वेक्टर एफ के बीच में डॉट नहीं लगेगा, ठीक है। अब दोनों को पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ने का मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, तो रीड करने का मतलब बोलेंगे क्या, इसको भी हम डाइवर्जेंस एफ बोलेंगे, इसको भी हम डाइवर्जेंस एफ बोलेंगे, और जब हम डाइवर्जेंस एफ बोलेंगे तो बीच में डॉट वॉट बोलने की जरूरत नहीं है, डॉट तो हम बाय डिफॉल्ट हमें पता ही है कि डाइवर्जेंस है तो बीच में डॉट लगेगा, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या है कि डाइवर्जेंस एफ का मतलब यानी कि डेल डॉट एफ, ठीक है। तो ये तो डिनोट करने का तरीका है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो एंड डिफाइंड बाय, देखो डेल डॉट वेक्टर एफ ये भी लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिख सकते हैं DIV वेक्टर एफ, अगर इस तरह से लिखना है तो बीच में डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से लिखना है तो बीच में डॉट लगाने की जरूरत है, क्यों है जरूरत, क्योंकि डॉट नहीं लगाओगे तो क्या होगा, देखो डॉट नहीं लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट फाई, आपने पहले पढ़ा होगा ग्रेडियंट वाले मेरे लेक्चर में, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेडियंट फाई, और ग्रेडियंट भी किसका निकलता है, स्केलर का, डाइवर्जेंस किसका निकलता है, वेक्टर का, तो ना तो ये ग्रेडियंट कहलाएगा ना ही वेक्टर कहलाएगा, सॉरी ना ही ये ग्रेडियंट कहलाएगा ना ही डाइवर्जेंस कहलाएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि है क्या ये, इसलिए हम बीच में डॉट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले है डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर की वैल्यू हम जानते हैं, आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड, बीच में डॉट है ये लगा दिया डॉट, फिर है वेक्टर एफ, वेक्टर एफ की वैल्यू मैंने लिख दी F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट मेरे हिसाब से सभी को आता होगा, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, और अगर बाकी की बात की जाए जैसे आई कैप डॉट जे कैप की, आई कैप डॉट के कैप की, तो ये वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है ना।
या फिर आप बात कर लो जेकेएफ डॉट केकेएफ की, यानी खुद से खुद का डॉट प्रोडक्ट, तो वन होता है, बाकी के साथ जीरो होता है। तो यहाँ पे आई केएफ डॉट आई केएफ वन होगा, तो एफ वन किसके साथ आएगा, डेल बाय डेल एक्स के साथ, तो डेल एफ वन बाय डेल एक्स हो जाएगा। जेकेएफ डॉट जेकेएफ जब वन होगा तो क्या होगा, डेल एफ टू बाय डेल वाई आएगा। केकेएफ डॉट केकेएफ वन होगा तो डेल एफ थ्री बाय डेल जेड आ जाएगा। और यहाँ नीचे मैंने लिखा है इट इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो देखिए, जब आप किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालेंगे तो रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट का मतलब ये वाली वैल्यू, जब किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का आप डाइवर्जेंस निकालेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन। देखिए आप यहां पर आई कैप जे कैप के कैप कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट आज मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, अभी और आगे मैं और भी आपकी चीजें क्लियर करूंगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो ये हो गया डाइवर्जेंस की बात। अब बात करें ग्रेडियंट की, जो मैं पहले के लेक्चर में बढ़ा चुका हूं। ग्रेडियंट फाई यानी किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो रिजल्ट जो आता है, यानी यहाँ पे ये जो रिजल्ट आ रहा है ये तो स्केलर आ रहा है, जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो ग्रेडियंट में जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, यानी कि उस जो वैल्यू आती है फाइनल निकल करके वो वेक्टर आती है, और डाइवर्जेंस में जो वैल्यू आएगी फाइनल वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें कि डाइवर्जेंस आगे होता क्या है, तो मैं एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले लेता हूं। मान लिया हमने कि मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। देखिए, मान लिया मेरे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वेक्टर ए, जिसको मैंने वेक्टर से ए से डिनोट किया है, और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस टू वाई जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप। ठीक है, तो हमारी वेक्टर ए की जो वैल्यू है हमने क्या फिक्स किया है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस टू वाई जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप। ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है, ऐसा नहीं है कि कहीं किसी बुक से लिया है, अपनी मर्जी से लिया ही है मैंने क्वांटिटी। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, इसका डाइवर्जेंस निकालना चाहते हैं। तो देखिए, डाइवर्जेंस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, डेल डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए के डाइवर्जेंस को मैं किससे डिनोट करूंगा, डेल डॉट वेक्टर ए या फिर डी आई वी वेक्टर ए, दोनों को हम पढ़ेंगे क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ए। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए या फिर डाइवर्जेंस ऑफ ए, दोनों को पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ही, ठीक है ना, ये लिख लो या फिर ये लिख लो, बात एक ही है, बीच में मैंने और लगा दिया। अगर ऐसे लिखते हो तो बीच में डॉट लगाना है, ऐसे लिखते हो तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम डाइवर्जेंस निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं वैल्यू किसकी रखूंगा, डेल ऑपरेटर की। तो डेल ऑपरेटर बराबर क्या होता है, आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड, फिर बीच में आ रहा है डॉट, तो ये लगा दिया डॉट। देखो डाइवर्जेंस, अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर यहां तो डॉट नहीं है फिर डॉट क्यों लगाते हैं, तो डाइवर्जेंस मैंने पहले बोल दिया, डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर फंक्शन के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसको हम डाइवर्जेंस बोलेंगे, ये याद रख लेना आप हमेशा। हो सकता है ये जो लेक्चर मैं बनाता हूँ इसमें पूरी चीजें ना बोल पाऊं मैं, तो आप खुद समझ जाइए जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हो सकता है पूरी चीजें मैं ना बोल पाऊं, तो जो नहीं बोल पाया वो ये क्या है, वो क्या है कि कई बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि
यार यहाँ तो डॉट लग रहा है, यहाँ डॉट नहीं लग रहा, तो फिर यहाँ क्यों डॉट लगाया है? इनमें दोनों में से, दोनों में से एक में ही डॉट लग रहा है, तो यहाँ डॉट क्यों लगाया? भाई ये दोनों तो क्या है, डिनोट करने का तरीका है। डाइवर्जेंस होता क्या है, अगर हम डेफिनेशन को देखें, डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंस। अब उसको डिनोट ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, डाइवर्जेंस, ये लो डाइवर्जेंस, GENCE, डाइवर्जेंस ऑफ ए। अब यहां ना तो डॉट आ रहा है ना ऐसे लिखा है मैंने, तो बात तो वही है ना, हम निकाल क्या रहे हैं, डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, तो डॉट आएगा, ठीक है, डेल ऑपरेटर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ वेक्टर ए, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2YJ कैप प्लस Z³ K कैप। तो ये वैल्यू लिख ली मैंने यहाँ पे वेक्टर ए की, और डेल ऑपरेटर की वैल्यू लिख दी, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट अभी अभी बताया मैंने, आई कैप डॉट आई कैप वन होता है, तो डेल बाय डेल एक्स आई कैप डॉट आई कैप वन हो गया, तो डेल बाय डेल एक्स के साथ कौन आएगा, एक्स स्क्वायर, यानी डेल बाय डेल एक्स किस पर ऑपरेट होगा, एक्स स्क्वायर पर, प्लस जे कैप डॉट जे कैप वन होगा, तो डेल अपॉन डेल वाई के साथ कौन आएगा, डेल अपॉन डेल वाई के साथ आ जाएगा 2y। हम जानते हैं के कैप डॉट के कैप वन होगा, तो डेल बाय डेल जेड के साथ कौन आ जाएगा, Z³। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहां एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन 2x, यहां पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया, y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो यहां लिख दिया 1, सिंपल 1 लिख दो, यहां डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल 1 लिख दिया ब्रैकेट में, प्लस जेड के रेस्पेक्ट में Z³ का होगा 3Z²। तो ये आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया, 2x प्लस 3Z² प्लस 2। ठीक है, अब अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन मुझे पता है कि आप लोगों को आता होगा, फिर भी मान लीजिए किसी को नहीं आता तो मैं बता दूं, मान लीजिए डेल बाय डेल एक्स, यानी कि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए किसका करना है, एक्स स्क्वायर वाई का, तो यहां वाई को कांस्टेंट रख करके मैं एक्स स्क्वायर का कर दूंगा 2x बस, फिर एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रख के वाई का करूंगा तो वाई का 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट में होता है केवल हम उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो ये आज डाइवर्जेंस का एक छोटा मोटा सा एक एग्जाम्पल ले लिया, और डाइवर्जेंस के बारे में मैंने समझा लिया, डाइवर्जेंस होता क्या है, निकाला कैसे जाता है डाइवर्जेंस। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे लेक्चर्स अगर पसंद आ रहे हो तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक बेल का आइकन होता है, बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।